अक्षय कुमार का लास्ट 3 इयर्स से लगातार एक के बाद एक फिल्म फ्लॉप हो रही है। उनकी लास्ट हिट फिल्म थी 2021 में रिलीज होने वाली फिल्म सूर्यवंशी। उसके बाद 2023 में यानी लास्ट ईयर में ओ माय गॉड 2 भी हिट हुई थी, लेकिन उनमें उनका छोटा सा पार्ट था। लेकिन फिर भी उनके पास अभी भी 5-6 फिल्में, क्यों लगातार फिल्में फ्लॉप होने के बावजूद भी उनके पास इतने ज्यादा फिल्में, इसी बारे में आज आप लोगों के साथ मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमर, तो वेलकम टू माय चैनल फिल्म न्यूज एंड रिव्यूज। देखिए, ये जानने से पहले क्यों उनके पास इतने ज्यादा फिल्में, एक चीज आप लोगों को जानना है, फिल्म इंडस्ट्री में कैसे काम होते। भले ही एक डायरेक्टर फिल्म बना ले, प्रोड्यूसर उसमें इन्वेस्ट कर ले, लेकिन एक फिल्म कितनी जल्दी खत्म होगा, कितनी वक्त लेगा, ये सब कुछ निर्भर करता है एक एक्टर या स्टार के ऊपर, क्योंकि वो स्टार किस वक्त पे आ रहा है, कितना टाइम काम कर रहा है, कब जा रहा है, सब कुछ के ऊपर निर्भर करता है फिल्म मतलब शूटिंग का ड्यूरेशन। अक्षय कुमार ये मानता है कि एक दिन में अगर 3 मिनट का शूटिंग किया जा सकता है तो 30 से 35 दिन के अंदर एक फिल्म मूवी का शूटिंग कंप्लीट किया जा सकता है, और अगर कोई 8 घंटा शूटिंग करता है तो 3 मिनट का शूटिंग कंप्लीट हो सकता है। ये बात सत्यजीत रॉय ने भी एक बार कहा था। तो ये बात अक्षय कुमार हमेशा मानता है कि जो शूटिंग का जो ड्यूरेशन है, जो एक दिन का जो कितने सीन लिया जाएगा, कितना वक्त का शूटिंग लिया जाएगा, कितना वक्त का शूटिंग किया जाएगा, वो हमेशा टारगेट करता है कि 3 से 4 मिनट का शूटिंग एक दिन में कंप्लीट हो जाए, ताकि एक फिल्म 30 से 35 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाए। इस वजह से क्या होता है कि शूटिंग जल्दी जल्दी खत्म होने पर मूवी का जो बजट है वो कम में कंप्लीट हो जाता है। अगर सोच लीजिए 30 का रखा गया तो बिटवीन द बजट ये मूवी कंप्लीट हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा फिल्में देखा जाता है कि ओवर बजट हो जाता है, क्योंकि बहुत दिनों तक शूटिंग चलता है। कभी कभी हीरो, कभी कभी हीरोइन या कोई एक्टर लेट करके आते हैं, फिर लेट करके चले जाते हैं, कभी कभी जल्दी जल्दी चले जाते हैं और शूटिंग पे उतना ध्यान नहीं देता। लेकिन अक्षय कुमार शूटिंग के टाइम में बहुत ही पंचुअल है, और सिर्फ यही नहीं, अक्षय कुमार जो उनकी जो कॉलिग्स है उन लोगों को भी यही बुला लेते टाइम पे आने के लिए, ताकि शूटिंग कंप्लीट जल्दी जल्दी हो जाए। कुछ दिन पहले कपिल शर्मा के शो में आकर एक्ट्रेस मौसमी चैटर्जी ने एक बात कही थी कि उनकी टाइम में जितेंद्र को भी कई सारे फिल्में ऐसे मिलती थी, लेकिन जितेंद्र का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उतना अच्छा नहीं होता था। इसका रीजन ये क्योंकि वो खुद सिर्फ वक्त में नहीं आता था, बाकी सारे कॉलिग्स को भी टाइम पे बुला लेता था, ताकि काम जल्दी जल्दी हो जाए। इससे क्या होता है, एक एक्टर को प्रोड्यूसर एक्टर कहा जाता है, जैसे अक्षय कुमार जितेंद्र जी थे। ये क्या होता है, इससे क्या होता है, प्रोड्यूसर हमेशा ये सोचता है ये मेरा जो मेरी ओर है और मेरी जो प्रॉब्लम है उसको समझ रहा है और जल्दी जल्दी काम कर रहा है, और सिर्फ खुद काम जल्दी जल्दी नहीं कर रहा है, बाकी सारे लोगों को भी जल्दी जल्दी काम करने में मजबूर कर रहा है। तो इससे क्या होता है, प्रोड्यूसर का हमेशा फीलिंग होता है कि इसको लिया जाए, इससे मुझे फायदा होगा, क्योंकि फिल्म जितने बजट है उससे कम बजट में बन जाएगा तो रिलीज होने से पहले ही मुझे फायदा होगा। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है, ये जो दो में रीजन बताया कि अक्षय कुमार को इतने ज्यादा फिल्में, सेम जो पॉलिसी है वो जितेंद्र जी भी यूज करते थे, उस वजह से उनके पास भी कई सारे फिल्म होता था। अक्षय कुमार का सिर्फ ये बैच नहीं, इसके पहले भी 1997 से 2000 तक उनकी लगातार 16 फिल्में फ्लॉप हुई थी, लेकिन फिर भी उनके पास 5-6 फिल्में था। रीजन क्या था, सिर्फ यही था क्योंकि वो जल्दी जल्दी काम करते हैं और बाकी सारे लोगों को भी जल्दी जल्दी बुलाता है ताकि काम जल्दी हो जाए। और लास्ट रीजन ये है कि वो पिछले कई सालों से प्रॉफिट से शेयर लेता है। तो इससे क्या होता है, अगर फिल्म चलता है तो उनको प्रॉफिट शेयर मिलता है, अगर फिल्म नहीं चलता है तो उनको शेयर नहीं मिलता है। इस वजह से क्या होता है, प्रोड्यूसर के ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं होता और बजट पे ज्यादा असर नहीं करता। इस वजह से जो प्रोड्यूसर है वो लोग लेने चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है अक्षय कुमार बिल्कुल फ्री में काम करेंगे, अगर फिल्म हिट हुई तो उनको शेयर देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं देना पड़ेगा। तो इस वजह से प्रोड्यूसर उन पे ज्यादा इंटरेस्टेड होता है उनको काम देने के लिए, और या कहा जा सकता है लेने के लिए। यही 3 रीजन है मुझे लगता है कि अक्षय कुमार के लगातार फिल्में फ्लॉप होने के बावजूद भी उनके पास इतने ज्यादा फिल्में हैं। तो ये रहा मेरा ओपिनियन, अब आप लोग आपका ओपिनियन बताएं कमेंट में, आप लोगों का क्या राय है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और नए नए अपडेट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।